नमस्कार, मैं हूं अशफाक अंसारी और आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ हंटर। वैसे तो बीना का सिविल अस्पताल लापरवाही को लेकर हमेशा चर्चाओं में रहता है, लेकिन इस बार अस्पताल प्रबंधन ने लापरवाही की सारी हदों को पार कर दिया, क्योंकि दो दिन पहले मिले अज्ञात शव को पुलिस ने शिनाख्ती के लिए सिविल अस्पताल के मर्चुरी रूम में रखवाया था, लेकिन लापरवाह कर्मचारियों ने करीब 10 से 12 दिन पहले खराब हुए फ्रीजर में शव को रख दिया। अब गर्मी के मौसम में शव का क्या हाल हुआ होगा आप सोच सकते हैं, और आज जब पोस्टमार्टम के लिए शव निकाला गया तो लोगों के होश उड़ गए। आखिर शव की दुर्दशा का जिम्मेदार कौन है, देखिए रिपोर्ट। दरअसल पोस्टमार्टम रूम के मर्चुरी रूम में अज्ञात युवक का शव रखा गया था, लेकिन कई दिनों से फ्रीजर खराब होने के बावजूद भी कर्मचारियों ने शव को फ्रीजर में रख दिया, जिससे शव में कीड़े तक पड़ गए और बदबू से परेशान लोग भाग खड़े हुए। जानकारी अनुसार दो दिन पूर्व बीना थाना पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम के लिए एक अज्ञात युवक का शव मर्चुरी रूम के बंद पड़े फ्रीजर में रखा गया था, लेकिन आज पोस्टमार्टम के लिए शव फ्रीजर से निकाला गया तो मौके पर मौजूद कर्मचारी सहित अस्पताल में मौजूद मरीज बदबू से भागते नजर आए, क्योंकि शव पूरी तरह से सड़ चुका था, जिसमें कीड़े तक पड़ चुके थे। इसी हाल में पोस्टमार्टम कराया गया। नगर पालिका कर्मचारी जो शव लेने आए थे वह भी भाग गए। हालांकि पुलिस की समझाइश के बाद कर्मचारी शव को दफनाने के लिए ले गए। वही पीएमओ डॉक्टर संजीव अग्रवाल का कहना है कि पुलिस और अस्पताल प्रबंधन संयुक्त रूप से देखभाल करता है और जल्द ही फ्रीजर को सुधरवा दिया जाएगा। अब सवाल यह है कि जब कई दिनों से फ्रीजर खराब था तो अस्पताल प्रबंधन ने पहले ही क्यों नहीं सुधरवाया? कम से कम शव की यह दुर्दशा तो नहीं होती। कल एक शव, अज्ञात शव यहाँ पर हॉस्पिटल में डॉक्टर सेवी जैन की ड्यूटी में आया हुआ था, तो क्योंकि अज्ञात शव का जो कफन दफन होता है उसकी प्रक्रिया विधि के लिए उसका ज्ञात होना जरूरी है, तो हमने एक छोटी सी सलाह पुलिस वालों को दी थी कि यदि हो सके तो आप आसपास के थानों से पता करें, क्योंकि ये हिंकी रोड पर किसी खेत में मिला था तो हो सकता है आसपास के गाँव का व्यक्ति हो, तो उसको मैंने फ्रिज में रखवाने की सलाह दी थी। इतना होने के बाद मुझे किसी भी स्वीपर ने या पुलिसकर्मी ने कल ये सूचना नहीं दी कि हमारा फ्रिज खराब है। आज सवेरे जब ये बात आई उन्होंने कहा पोस्टमार्टम कर दो, तो मैंने कहा फ्रिज में रखा है क्या दिक्कत है? उन्होंने कहा साहब फ्रिज नहीं चल रहा, तो ये वाली बात जैसे ही मेरे संज्ञान में आई मैंने तत्काल इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, लेकिन चूंकि वो वहाँ पर पोस्टमार्टम भी चालू हो चुका था, काफ़ी स्मेल थी, इस कारण से वो आज वो उसको उपकाई उल्टी आने लगी इलेक्ट्रिशियन को, तो उसको हम जैसे ही वहाँ पर माहौल ठीक होता है हम तत्काल फ्रिज को सुधरवाएंगे। हालांकि ये फ्रिज का पूरा चार्ज पुलिस विभाग और स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त उसमें रहता है, दोनों विभाग पे चाबियां रहती हैं, और यदि हमें जैसे ही पता पड़ता है तो हम उसको सुधरवाने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारी संस्था में है पोस्टमार्टम आउट, और किसी भी व्यक्ति को दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो हम तत्काल सुधरवा देंगे।